अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एज यू कैन सी कि सुबह हो चुकी है और अल्तमश साहब उठने की कोशिश में है, तो उनको अभी भी नींद बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन वो उठना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा डेली शेड्यूल की तौर से मुझे उनको जल्दी उठाना पड़ता है हमेशा। देन उठाने के बाद उनको मैंने फ्रेश करवाया, फ्रेश करवा के उनके साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किए, उनको ब्रेकफास्ट करवाया। और होता है नॉर्मली अगर आप वर्किंग वूमन हैं, वर्किंग मॉम भी हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, बिकॉज़ अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो तो बच्चे आपको बहुत ढूंढते हैं, मिस करते हैं आपको जब आप घर पे नहीं होते हो। तो इसलिए सुबह सुबह मैं अल्तमश के सारे काम ख़त्म करके मैं कुछ टाइम उनके साथ बिताती हूँ, और वो भी बहुत खुश होते हैं जब उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। देन मैं उनको अपने उनके नानी के पास छोड़कर मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। तो आज भी सेम शेड्यूल है मेरा। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, आज भाभी ने मेरे छोले और पूरी बनाए थे जो कि मेरे फेवरेट है ब्रेकफास्ट पे, तो उन्होंने जल्दी ही सुबह से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनवा दिया था। देन मैं भी रेडी होकर निकल चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए। सो लेट्स सी कि आज मेरा टॉपिक कौन सा है और मैं बच्चों को कौन सा पढ़ाती हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सो गाइस, टुडेज़ टॉपिक इज़ द पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ वी कैन मेक श्योर दैट वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक वेल इन पब्लिक। व्हाट आर द पॉइंट्स आर देयर ड्यूरिंग पब्लिक स्पीक वी आर डूइंग द हाउ वी कैन प्लान अप्रोप्रिएटली, हाउ वी कैन प्रैक्टिस एंड हाउ वी कैन एंगेज आवर ऑडियंस वाइल वी आर स्पीकिंग, हाउ वी कैन पे अटेंशन टू आवर बॉडी लैंग्वेज। सो ऑल दोज पॉइंट्स आर कमिंग अंडर द पब्लिक स्पीकिंग। सो ये सारा डिस्कशन आज मैंने अपने क्लासेस में किए और नोट्स भी मैंने बुलवाए बच्चों को। सो बच्चों का रिस्पॉन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही आया है और बच्चों ने समझा भी है अच्छे बेहतर तरीके से। सो लेट्स सी। सो माई फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
सो हियर आई हैव फिनिश माई क्लास एंड आई एम बैक टू माई होम. तो मैं घर के लिए वापस हो रही हूँ फिलहाल, आप देख सकते हो. तो गाइस घर पहुंचने के बाद अल्तमस इसी तरह खेल रहा था घर पे. तो उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और आज लंच में स्पेशल था यखनी पुलाव और चिकन पकौड़ा. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी जो है वो हर एक खाना में एक्सपेरिमेंट करती रहती है बिकॉज शी इज़ ए ब्यूटीफुल शेफ. ओके, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है अलग से और नाज फूड मैजिक करके उनका एक यूट्यूब चैनल भी है. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आप फूडी हैं और आपको खाना बहुत पसंद है तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं न्यू न्यू डिशेस जो कि उन्होंने बनाए हैं अपने चैनल पे. और बहुत ही टेस्टी डिशेस वो बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके हाथों में तो जादू ही है. आफ्टर दैट इवनिंग में एज यूजली अल्तमस का स्टडी टाइम स्टार्ट हो गया है और आज उनका कलर्स है. तो ऑब्वियसली अल्तमस को कलर्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आयत को बहुत ज़्यादा पसंद है कलर्स, इसलिए अल्तमस को थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है कलर्स करने के लिए. और आज अल्फ़ाबेट्स नहीं है, आज मैंने उसको 1 और 2 लिखने के लिए ट्रेस करने के लिए दिया है. तो आफ्टर द स्टडी टाइम वी गो थ्रू आवर मस्ती टाइम तमस एंड आयत. और जैसे कि आप देख सकते हो अभी राइम्स चल रहा है और दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं अपने राइम्स को देखकर. तो फुल ऑन डे वाज वेरी मच एंटरटेनिंग फॉर मी. सो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो किस तरह से लगा. एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.